चावल है। तो क्लास में थे तो अब जरा मुझे बोले इसने कहते तो बस मैं यहाँ पे बघारा खाना बना रही हूँ। बघारा खाना चिकन का कोरमा बना रही हूँ। तो छत पे बना रही हूँ। क्या करेंगे नहीं बता सकते। मेरा छावनिया बनाना था। भाग लेते हैं भाग है ना बस ये वो छोटी हो गई नहीं क्या तस्वीर। हाँ नहीं बहुत लय मार रही है। क्या धूप भी बहुत तेज है और हवा इधर आ रही तो इधर आ रही है। मैं अदरक लहसुन डाली इसके अंदर। फोन मारा हाँ तो बोलने से बिना चाहते हैं। वहाँ पे रख दी है अदरक लहसुन डाल के प्याज में। हाँ लाया इसलिए जंगली पत्ते रहते इसलिए हाँ जल्दी जल्दी भैया आ गए। भैया उनके दोस्त के साथ ऐसा आ रहे थे मैं वैसे जा रही थी तो भैया बोले मैं ला लेता हूँ लॉक बोल के अभी आगे बढ़ते जा रही नहीं लाए थे मैं लाई ना ला तो बोल के छत्ता भी बोले अच्छा दोस्त था उनके साथ। ओ काली कवर में दे अदरक और जल्दी हरी मिर्च हां ये तो कभी डाल दो इसमें पानी भर के लाना से देखो ओ हो गई जो ही का कपड़े से नहीं पानी नहीं लाना है उन लोगों को। मैं इसमें गरम मसाले डाल रही लग रही थी खतरनाक रही थी छान तो पूरी डाल पूरी नए सालन में डालने का भी पूरी आंच बाहर आ गई खाना ही हाँ लॉन्ग जा रही है धूप इतनी है स्टॉक भी कम नहीं कर रहा बहुत खतरनाक है धूप उतना आज सही से जल रही है ना। हाँ ये चक्री फूल है कहाँ है सही भी है एक भी नहीं आ रहा।
वहाँ भी बताओ आलू छिड़ रहे सो। मैं ये सोच नहीं रही ना हरी मिर्च लगा रही हूँ। बड़े पकवानों को लकड़ी के चूल्हे पे 15 किलो की बिरयानी पूछो हमारे अपन को पैसा बोलते जी सर अंगार इधर से इधर आंच पूरी मार रही मुँह पे पैसा पकाना ये आंच ज्यादा लगने से प्याज है ना थोड़ा सुनहरी होगी तो प्याज हमारे गांव में ऐसे लाल करते एकदम जैसे तो चाय नहीं ऐसे जा रहा नहीं बोले तो पापा नहीं जी यहाँ पे खोरमे की प्याज है तल के छोड़ दी उत्तर रख दी इसको और यहाँ पे वगैरह खाना बनते ये आलू नहीं काटे थे बोल के ऐसे रख दिए थे इसको हम लोग लकड़ी के चूल्हे पे बना रहे देखो मजे का बनता है इस पे खाना अब तुम्हारा भी लग रही ना धूप मेरे को कैसा बोल रहे थे सही करने नहीं आ रहा बोल के तुम दोनों में यही फर्क है बाकी धूप हम बर्दाश्त करते धूप में देखो पूरे हाथ काले हो गए मेरे को थोड़ी देर में आधे घंटे में आधा रंग उड़ गया मेरे को अच्छी सी क्रीम ला के देना आप तो रोटी खाया यहाँ पे चिकन है धो के रखी मैं 5 किलो चिकन है और मोहरी की हालत देखो हमारी पूरा बाद में साफ करती हूँ ये चिकन धो के रखी तो ऐसा हो गया पानी नहीं जा रहा था पूरा मतलब खिचड़े वो ये डालने से मोहरी में पानी नहीं जा रहा था और यहाँ पे पूरा साफ करी थी मैं बारिश आके पूरा गंदा हो गया था ये चूल्हा तो मैं साफ करी और धूप देखो कितनी खतरनाक है ऐसी धूप में पका रहे ये पानी का ऊपर ला लिया हम लोग आटा बाकी बाकी फेरोज निकल अजी बस हो जाता जी हाँ बोर नको डालो बोल के देखो अटकल होता पापा आज बुझने आ रही अरे ढाप हो जी दम होता नहीं इतना अरे वैसे अल्दो मेरे मालूम है कैसा नको डालो मैं बोर ही मैं पकाती बगा रखना मैं तुम्हारे लिए Thank you.
देखो खुला खुला बना चावल ये तो मैं इसको अंगार पे दम पे रख रही चावल को ये देखो जी इसको 10 मिनट चले ले ऐसा पूरा बता धूप देखो ऐसी धूप में बना रहे हम लोग 5 बजे ठंडा रहता जब बनाना था धूप थोड़ी कम होती थी अर्जेंट में तो इसलिए ये टाइम बना रहे धूप में और हमारे झाड़ा को देखो फूला तो फिर भी अच्छे से बड़े हो गए ये मेरा नींबू का झाड़ 3 साल का है इतना बड़ा हो गया इन्हें ये तो यहाँ आए जब से लिए थे हम लोग झड़ रहा लग रहा एक मोतिया बाहर की एक कली आ रही इसको ये मैं 100 रुपये में लई थी सरिया पाक का झाड़ तो उसको अब लग रही झड़ते लगते ऐसा हो रहा है इन लोगों का मौसम ये टमाटर के झाड़ा हैं और इसमें भी नींबू है और गुलाब का झाड़ है यार मेरे फूल किसका झाड़ देखो कितना अच्छा बड़ा माइक की झाड़ है ये इतना बड़ा बना नींबू का इसके डंटला इतने आ गए नहीं 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 3 है शायद 3 झाड़ा है ये मैं बीजा डाली थी इसके तो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया एक फोटो ठीक है मैं यहाँ पे आलू तलने की रखी मेरी आदत मालूम है ना मैं प्याज के अंदर ही तलती हूँ आलू थोड़ी लाल हो गई थी प्याज तो मैं आलू डाल दी इसके अंदर देखो प्याज के अंदर ही तलती मैं आलू अलग से नहीं तलती इन लोगों को तो पहले तल लेती मैं आलू और यहाँ पे खाना पक गया तो इधर रख दिया साइड में इसको धूप इतनी है खतरनाक तेज धूप है हवा भी आ रही धूप भी आ रही तो मैं ना आँच इधर इधर हवा में इधर से इधर गए इधर आ रही इधर गए इधर आ रही तो मैं अंदर आ गई देखो यहाँ पे ऐसा इधर से इधर हो रही हवा वो सही लग रही नहीं तब बगने को ऐसा हो गया नहीं पकाना था यहाँ पे नीचे ही बनाना था यहाँ ऊपर बनाने से परेशानी हो गई फिर भी कैसे भी खाना बना लिए कोरमा बनने का है ऐसा हो गया यहाँ पे और मैं यहाँ चिकन धो के रखी वली ने इधर चिल्ले में आए तो ठंडा दिख रहा बाहर निकलती अम्मा धूप धूप मिलने से परेशानी हो और इन्होंने नहीं है गए बर्फ लाने रात में बनाए थे उन्होंने कद्दू की खीर तो उसको ठंडी करने के वास्ते बर्फ़ लाने गए मैं जब तक कोरमा बना लेती हूँ तो मैं अकेली हूँ बच्चे नीचे गए छत पे इधर तो आवाज़ पुकारा फुल आता बच्चे ऊपर है तो देखो आँच कितनी अच्छी लगी सूखे लकड़ियाँ हैं मगर साई बगने को नहीं लग रही आँच वो इधर इधर फैल जा रही और धूप से नहीं बाहर ठहरना भी दिल नहीं बोल रहा और अंगार करने ठहरे तो और जो वो हो रहा गर्म ऐसा है दिखा वालेकुम कैसे आप सब लोग और यहाँ पे मैं ऊपर छत पे पकवान कर रही तो धूप में ऊपर आने से ना धूप इतनी लग रही सही भी कलर चले गया ऐसा दिख रहा मेरे को वैसे वैसे गोरी तो नहीं हो फिर भी धूप में से और काली दिख रही मैं धूप में आने से बहुत धूप है तो मैं बोली इनको 5 बजे तक बनेंगे बताए ना नहीं 3 बजे देना है बोल के जल्दी पकवान कर दिए इसलिए ऐसा हो गया तो मैं यहाँ पे अंदर ठहरी और बाहर बोलते सो देखो बाहर पक रहा है यहाँ पे सब धूप में पानी ऊपर इस ला लिया हम लोग सुबह नल खुला था तो सुबह में मैं भर के रख दी थी छोटा ये फेरोजे कलर का डब्बा तो ऊपर ला लिए वही पकाने के वास्ते अरे नो नहीं है बोली ना अभी गए तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे मतलब पकाने बच्चे नीचे है मैं ऊपर छत पे अकेली छूँ खाली कोरमा बनाना है खाना बन गया ऐसा है देखो और मेरी उंगली को ना ऐसा लकड़ी चुभ गई अंदर जख्म हो गया
पहले बनाते थे छाँव में बनाए तो अच्छा दिखता, ठंडा मौसम है तो धूप में लकड़ी के चूल्हे पे रविवार आना नीचे गैस पे बनाना तो अच्छा रहता। मैं आलू डाली तलने को भुगने में तो इसलिए मैं धूप लग रही तो अंदर आ गई। जल्दी जल्दी जल जा रही लकड़ियाँ पतले है, वो रोटी बनाने में लेके आती थी रमलात मंगाती थी इनसे तो इसलिए वही छह दिख रही है। और मेरे को दो दिन से यहाँ पे इतना दर्द हो रहा कही क्योंकि वो हो गया मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा। सुबह नल खुलने से एक सहूलत हो गई, कपड़े धो ली पूरा पानी भर ली, पकवान भी हो रहा। अब पानी रहा तो कामा होते नहीं तो नहीं होते देखो ऐसा है। यहाँ का मैं साफ करी थी, बारिश आके पूरा भर गया था तो मैं इसको साफ करी थी। अभी पोछा मारना, ये चिकन धो के रखी तो पूरा पानी फिर से गिर गया तो इसको साफ सफाई करती मैं बाद में करती। अभी राइट पूरा पकवान हुए के बाद श्री नीचे है, मैं बोली अब्दुल रजा को लगा को खाना दी क्या बोल के मैं ऊपर थी तो नहीं 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 बोलती स्कूल से आए जब से लगा खाना नहीं खाए थे तो मैं दे के ऊपर आओ बोल के बोली श्री मैं तो नीचे चले गए ना भूत खतरनाक है ऊपर इसलिए नहीं धीमा धीमा उठ जा रहा नीचे नक्को ऊपर नक्को बोली बच्चों को धूप में तबीयत खराब हो जाते कल मेरी धूप में जाने से तबीयत वो हो गई तो इसलिए मैं बच्चों को नक्को बोल के ऊपर नहीं आने दे रही हूँ खतरनाक धूप है बोल के। चल बाहर बताती भाई मेरे आलू क्या हुए, दाग लग जाएंगे नहीं तो। आलू तलने रखी मैं तो दाग लगते देखो इसका कैमरा पीछे करते यहाँ पे देखो आलू अभी नहीं तले गए, आलू आ रही है मतलब हवा से आँच उड़ा दे रही हो इसलिए आलू नहीं तले गए अभी तो मैं ऐसे रख दी सुकून से होने दो जान दो बोल के छोड़ दी मैं इसको चमचा फिरा के छोड़ी थी और 5 मिनट तल के निकाल लेती हूँ आलू को। उसके बाद मसाले डालती हूँ पूरे मसाले यहाँ रखे से पीस के इतने की दिन के बाद यही मैं ऊपर छत पे रोटी डालना छोड़ी दी मैं यहाँ पर देखो धूप में कितना लाल हो गया मेरा मुँह पूरा ऐसा हो गया लाल लाल धूप लगते ही लाल हो जाता चेहरा। तो मैं यहाँ आरिछ ने मैं यहाँ रोटी दारिछ ने ऊपर 15 दिन हो गए शायद मैं यहाँ पे रोटी डाली भी रही आई मैंने ऊपर पूरे यहाँ से लकड़ियाँ वो सो बाहर रख के मैं साफ करी कहीं वो तो मैं यहाँ पे प्याज सूखने डाल रही थी खुले को रख रही थी प्याज सड़ती नहीं ख़राब नहीं होती न तो एक जगह रखे तो सड़ जाती प्याज बोल के तो मैं यहाँ पे साफ करके पूरे लकड़ियाँ निकाल दी बाहर रख दी लकड़ियाँ तो रमज़ान में महंगी हो जाती प्याज बोल के बोले थे बाजी हमारे तो वही थी मतलब 15 किलो खरीद ली और लाना है आज मंगल मंडी है तो इसलिए लाके यहाँ पे रखना पूरा रमज़ान चलती उसके बाद भी चलती बोल के बोली मैं कल मैं अम्मी कहने भी गई था हमारे अम्मी को भी बोली अम्मी प्याज खरीद लो जी हमारे बाजू खाले बाजी महंगी हो जाती बोले प्याज बोल के उनको ऐसा बोल के ही थी भाई कल घर बन रहा बोली थी मैं जब बनाई थी अम्मी के घर का वीडियो हमारे तब सब हो गया अस्तरकारी हो गई नला की फिटिंग कर रहे अब लाइट की फिटिंग और नला की फिटिंग एक साथ कर रहे हमारे अम्मी के पास तो अम्मी का ने घर बन रहा हमारे। कल गई मैं 1 महीने के बाद हमारे अम्मी के घर को कल गई थी मैं तो 1-2 घंटे बैठ के फिर आ गई फिर घर को आ गई मैं नहीं गई फिर हमारे अब्बा की तबीयत भी ख़राब थी तो भी मैं फ़ोन पे बात करी थी फिर घर को नहीं गई थी मैं तो कल गई थी तो मैं बैठी आराम से 2-3 घंटे बैठ के चाहिए अम्मी का ने अम्मी भी घर में थे हमारे अब्बा अम्मी घर में थे हमारे भाई काम पे गए थे लाइट का काम चल रहा था घर में और नल की फिटिंग हो रही थी घर में तो मैं गई थी अम्मी के पास जाके एक बच्चों को नहीं लेके गई थी मैं अकेली गई थी बच्चों को घर में रख के गई थी असल में गई थी काम से चांदनार फिर चांदनार से वापसी में मैं अम्मी का ने गई थी 2 घंटे बैठ के अम्मी कन से फिर आ गई मैं घर में आके फिर नल खुला रात में पानी भरी बर्तन धोई फिर छोड़ कुछ भी काम नहीं करी दाल चाय बनाई थी रात में और खाना बनाई बस मैं सो गई ऐसा हुआ रात में इनो आए फिर रात में
इन्हों भी नहीं खाए, तबियत खराब है बोल के रात में खाना नहीं खाए थे, इन्हों भी ऐसे सो गए थे, सीने में जलन हो रही बोल के, मैं भी नहीं खाई इसलिए आज सुबह में नहीं बनाई। मैं रोटी पराठे ला लिए थे गरम करके, अंडे तल के दाल से रोटी खा लिए थे सुबह के टाइम। आप भी नहीं करे, मैं तो नाश्ता नहीं करी थी, मैं उल्टियाँ हो रहे थे कल से कई को की, कल मैं खाना खाई बाहर इतने उल्टियाँ हुए सुबह से, तो मेरे को उल्टियाँ बहुत हो रहे थे, नहीं बना शायद मेरे को, खाई क्या मैं एक रोटी खाई थी फिर भी इतने उल्टियाँ हो रहे थे मेरे को सुबह से, उल्टियाँ हुए तबीयत कैसे कि सर पूरा घूमपन आ गया था सर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह गोली खाने से सब सही है अब, इसलिए मैं नहीं बनाई। इन्हों गोश्त लेके आए तलो बोल के, मैं नहीं तली गई वो तो ऊपर मेरे को पकाना है बोल के, दाल चा खाना खा लो बोल के छोड़ दी नीचे, ऐसा हुआ देखो मेरे सगन। तभी कल धूप में गई ठंडा पानी पी ऐसा हुआ तो, और रोटी खाने से कुछ हो गया शायद, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई होंगी तो उल्टियाँ हो रहे थे मेरे को सुबह से, फिर सही हो गई। 500 गोली मंगा के दिए थे इन्हों, खा ली मैं, खा के चाय पी तो जब सर दर्द कम हुआ मेरे को थोड़ा, बेचैनी जैसा हो रहा था, मतली मतली सी हो रही थी मेरे को सुबह से कहीं कुछ ऐसा, तो दो तीन उल्टियाँ हुए के बाद जब सही हो गया तो तबीयत मेरी ऐसा हो रही थी, और मेरे को कितने के दिन से यहाँ पे शोल्डर में दर्द आ गया, उसके वजह से भी मैं गोलियाँ खाती रहती, गोलियाँ चलते रहते मेरे को, फिर सुबह में खाई ऐसा है, पर कुछ है नहीं यहाँ पे सूजन आ जाने से मेरे को शोल्डर पे गोलियाँ खाती हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह चाहे तो जल्दी कम हो जाना बोल के वही दुआ करती मैं, बस कुछ भी नहीं है मेरे को, ये शोल्डर पे दर्द रहने से ज़रा मुश्किल हो जाती मेरे को काम करने में, हाथ में सुनपन आ जाता ऐसा है देखो, नहीं तो मैं अच्छी छो माशाल्लाह से, मोटी ताजी अच्छी हूँ, बस थोड़ा दर्द आने से तकलीफ आ गई मेरे को, चक्कर आती कभी कभी काम नहीं कर सकती, इतना सुना दी सर दर्द था ये वीडियो जो भी देखे और लगा बोलते हैं कितना बकवा कर दी ने बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा डेली रूटीन का है, मैं कुछ जो हुआ मैं इस पर शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ मत समझो आप, ऐसा है मैं इतने दिन से वीडियो एक बात से नहीं डाली थी मेरे को यहाँ पे दर्द है बोल के, मैं वीडियो नहीं डाली, अब मेरा दर्द थोड़ा कम है, दवाइयाँ खा रही मैं, उसके आज से स्टार्ट करती हूँ, आपसे डेली वीडियो डालती हूँ भाई, तो जिसको भी वीडियो मेरा अच्छा दिखा लाइक करो शेयर करो फॉलो करो, मेरे को क्या बोलना नहीं मालूम, मेरे अंदाज में ऐसा बोल दी, बस इतना है कि बस खाली सपोर्ट करो मेरे को, मेरे मैं देखो मुसीबतों से बच गई इसलिए दाली परेशान है, मुसीबत दूर होना वो ये बोल के ऐसा सोच के दाली मैं, तो आप जो भी देखे मेरा वीडियो लाइक करो शेयर करो और सपोर्ट करो मेरे को बस, और कुछ भी नहीं, और दुआ में याद रखो, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ, अभी मेरा वीडियो बहुत बड़ा है, पकवान पूरा बताती मैं यहाँ बैठी बोल के आप लोगों से बात कर रही, इन्होंने नहीं है बोली ना मैं आए के बाद ये फॉर्मा बनाती मैं जब तक बात कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं, और यहाँ पे आलू पूरे तल ली मैं, और इसको निकाल रही हूँ इसमें बगने में, अच्छे से तली देखे पूरे अच्छे दिख रहे, प्याज के अंदर ही तली बोली नहीं मैं, 5 किलो आलू है ये, एक ही साथ डाल दी थी मैं इसके अंदर, अच्छे निकाल के इसमें रख के मसाले डालते हैं, ऐसा भी बनाओ आप सालन कोरमे का, बहुत मज़े का बनता, अच्छा बनता, मैं जैसा बनाती मैं किससे भी नहीं सीखी, मैं सभी से ऐसा बनाती, हमारे शोहर खुद बड़ा पकवान करते मगर मेरे को उनका नहीं पसंद आता, मैं मेरे अंदाज में बनाती सालन, तो ऐसा है सबका अलग अलग तरीका रहता, मेरा इसका ये है बनाने का तरीका मेरा ऐसा है, तो मैं ऐसी बनाती हूँ, हमारे शोहर अलग बनाते मैं अलग बनाती, इन्हों बिना तले डाल देते आलू और कच्ची पक्की प्याज तल के बना देते हूँ, मैं नहीं करती वैसा, मैं पूरी अच्छी प्याज तल लेती हूँ, उसके बाद आलू तल के बना, बहुत तेज हमारा मुँह पे चमार रहा बोलती हूँ, हाँ बहुत गर्म है मेरे मुंह पे भी पड़ जाएगा, हाँ तो इसलिए बोली मैं नीचे जाओ बोल के, मम्मी अरे भैया है ना नीचे, धो लो बोलो भाई, मैं धो रही थी नहीं, बोलो मम्मी बोल रहे बोल,
कुछ भी नहीं करना है, बोलो थोड़ा सा साबुन लगा के घस दे के गरम करो। आ रे बोलो मम्मी जल्दी करो ना तो मार तुम। बोलो पैरों की मार रही, मतलब अंगार ये गरम छुरके लग रहे। हाँ मैं आ रही। अब थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, धूप कम हुई, मगर चूल्हे के पास अपन नहीं ठहर सकते। वो गौरचे को आदत है कि कंपनी सीधा लग रहा गरम गरम इसका। मैं धूप है बोल के आलू इसके अंदर छोड़ दी तो ज़्यादा तले गए, निकलना दिल नहीं भरा। से याद रखे अब अगर पकवान करे तो नीचे गैस पे बना लेना, यहाँ पे नहीं आना रूप में, तो ठंडे मौसम में बनाना। अब इसके अंदर दही डाल दी, फिर हाँ पैर जर रहे नहीं किलो दही है पूरा बाहर क्या 2 किलो है शायद, मुझे नहीं मालूम अंदाजा, हमारे शोहर ला के रख दिए थे यहाँ पे। अंदर ही गिर गया क्या मार रहा हाँ? कितना धुआं रहा बहुत हवा तो क्या अंदर ही कितना गर्म हो गया। मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, पूरा अदरक लहसुन का डब्बा जल गया इसके। जल गया वो हवा से, तो आज हवा लगी ना आज इससे। अंदर करना वो लकड़ियाँ, मैं तो अपने को चाह रही हूँ, मुँह पे मार रही हूँ, यादगार पकवान रह गया गम्मा। नहीं काड़ी की टिप्पी नहीं होना, लकड़ियाँ ला के डालेंगे, मोटे मोटे छोटे छोटे चकले डालो। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, हाँ लाल मिर्ची का पाउडर, तेज पत्ता, लौंग, चक्री फूल। यहाँ पे अब्दुल रहीम है, उनके पप्पा है, तो मेहनत कर रहे करते चूल्हे में लकड़ियां लगा रहे हो। मैं अंदर रही थी कोथमीर काटने, फोन भी गर्म हो जा रहा धूप में, इतनी खतरनाक है धूप देखो के बंद बंद हो जा रहा फ़ोन गर्म हो के। पहले मैं नया ख़रीदी फ़ोन, ये पुराना भी ऐसी हो के गर्म हो के ख़राब हो गया था मेरा, उसको बना के लाए तो इन्हें भी ऐसी छात दे दे रहा। और यहाँ पे मसाला अच्छे से धाई, देखो भुने गया मतलब अच्छा पक गया धाई, ये देखो कितना अच्छा तेल छोड़ा धाई में, अच्छे से भुनी मैं इसको दही को। और इसमें मसाले डालती हूँ पीसे हुए, हाँ अच्छा करे ब्रेक लिए तुम बहुत काम करे। ये तिल फल्ली का है, ये तिल फल्ली खोपरा है ये, इसके अंदर नहीं हमारे श्रीन के काम है, देखो ये और यहाँ अभी है टच बोल के नहीं है, ये बहुत है, ये मतलब 2 किलो फल्ली है, नहीं 1 किलो फल्ली, 1 किलो खोपरा, 1 किलो तिल है, बहुत है ये। मैं कैसा बताऊँ, थोड़ी देर यहाँ पे रोकती हूँ मैं, अदरे में लो ऐसा पकड़ो ये
ऐसा पकड़ना हाथ, हाँ ऐसे छे। अब यहाँ पे चूल्हे का नक्को जरा दूर ठहरो, और इसको ना अच्छे से मसाले की पूरा कच्चापन गए तक भुनती मैं ये मसाला। उसके बाद चिकन ला के डालती ऐसे पूरा के चमचा चंद्र हिला हिला के भुनती मैं तो ना नीचे दाग पकड़ता मसाला, इसलिए ऐसी भाप आ रही है पैरों के लिए। हमारे ना इतने सूखे लकड़ियाँ डाले अदरम छोटे छोटे लकड़ियाँ डालने से जल्दी से, और ये प्याज तल के पीसे थे हम लोगों पौ आधा किलो प्याज का पेस्ट बनाई थी, तल के उसके अंदर जीरा डाल के प्याज को मैं तल ली थी आधा किलो प्याज की। देखो मैं बोली ना मेरा तरीका अलग है बनाने का, बल्कि मैं गुलबर्गे की साइड की हूँ इसलिए मेरा सालन बनाने का अंदाज भी थोड़ा अलग ही है। गुलबर्गे के छे हम लोग, हाँ तो मेरा सालन बनाने का तरीका अलग है। तो अब देखो आसमान ठंडा हुआ, ये अंगार गर्म कर दे रही हूँ। क्या बोलते अब रही, हाँ ऐसा हो गया देखा छोटे है ना। यहाँ पे मसाला में अच्छे से भुनी आधा घंटा, उसके बाद में ये चिकन धो के रखी थी, उस चिकन दारी में दारी नहीं दाल दी भी है। इसको मैं 10 मिनट अच्छा पका के फिर इसके अंदर आलू डालती हूँ। जीरा अभी तो नहीं आता देखो, पहले बोल दे रही आराम से पके के बाद धीमी आंच पे जीरा आ जाता। अब मैं इसको फुल आंच लगा के तेज आंच पे 10 मिनट पकाती हूँ, और दाग नहीं पकड़ना नीचे बोल के मैं इसमें पानी डालती हूँ गोश्त जलता। मैं इसके अंदर पानी ला के डालती हूँ, ये मसाले का अच्छा है बगना। ये छुट्टी मिली देख के लकड़ी अंगार बहुत है यहाँ पे, और ये पानी डाल दी मैं पूरे सुते सुते डाल दिया। एक बार फिर से मैं चमचा हिला ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम साइज का रख रही मैं इसको। देखो अब फुल आंच लगाती हूँ इसमें, आए पापा अभी तक नहीं आए, सही में बर्फ लाने गए बनाने के वहाँ पर दूर जा रहे हैं पापा, हासन नगर ही जाना है कहाँ दूर जाना, तो उसमें टाइम लगता है पापा उधर वो लाइन में लगे होंगे साफ बर्फ के वास्ते गर्मियों में। आज हवा आने से उधर उधर जा रही हो, और देखो हवा उधर है तब इधर से इधर आ रही थी, इधर से बस बस कर दे रही है हवा, आज रोज तो नहीं आती आज इतनी हवा आ रही है पूरे मेरे लकड़ियां जल के खत्म हो जा रही है। अब लगी देखो आंच, इस पे भी
मोटर है तो देर से जाते ज़्यादा ऊपर यहाँ पे ऊपर अब्द रहीम शिफा भी है। हलू हलू ठंडी धूप और जरा मौसम ठंडा हरा तो मैं भी काम बह गई आयता है पर बोल के पहले धूप थी एक बजे से जो धूप थी हम लोग ऊपर आए इतनी तेज धूप थी पूरी अब धूप चली गई धूप में हमें इतनी पावरफुल हो गई थी मम्मी वो थोड़ा थोड़ा गर्म रहता ठंडे रह गया था पर फिर कैसा मर जाते लंबी लंबी तो फेंकते हैं दाल का खाना लगाने और यहाँ पे देखो गोश्त थोड़ा पक गया था आलू डाल रही हट अंदर ही मच्छर था बहुत ही सारे मैं नहीं था तुम तुम ही मच्छर पापा देगा तो फिर मार देना एकदम कपड़ा नहीं पकड़ने से भी हाथ ऐसे बुरी तरीके से जल गया ये भी वीडियो बना देंगे ना हाँ मम्मी आज तुम हरी में थोड़ी सी हवा कर दी आलू डाल दी मैं इसके अंदर थोड़ी बढ़ गई अब इसमें कश्मीर पुदीना हरी मिर्ची ला के डालती हूँ दे रहे हैं मम्मी देखो एक कोथमीर है आटो अब्दुल रहमान अब्दुल रजा और इसके अंदर पुदीना भी डाल के घोल के डाल देती हूँ मैं पापा ऊपर कहीं तो नहीं आ रहे पापा लेकिन टाइम हो जाता बहुत चार बज गए नहीं देर होती इतना जब नहीं पकता क्या वो असल तो ज़्यादा धूप के वजह से देर हो गई अंदर आ रही जा रही आ रही पच्चीस नींबू का जूस इतना निकला रुपये महंगे कर दिए 25 नींबू 50 रुपये के पहले 10 रुपये के इतने रुपये नींबू दे रहा था अब रमजान आया अब 10 के 2 कर देते 10 के 2 नींबू लाया बच्चा हमारा मेरे को मालूम नहीं 50 रुपये की छुट्टी थी मगर बहुत महंगे हो गए नींबू अब इसको मैं ढक के पकाती थाली ढाप देती कचरा भी नहीं गिरता और सारे अच्छा देता अभी उन मोड़ी वाले की पूरी मजे ली तो भाई मेरे अंदाजे से सूप डाल के सही है फिर भी हमारे शोहर आए के बाद उनको चका के नमक थोड़ा बढ़ा दी उसके अंदर ये तेज गया तो मैं इससे बर्तन है ऊपर ही धो लेके लेके जा रहा हूँ अब नीचे लेके जाके साफ धो ये बर्तन में लड़ा हो जाए धो के साफ करके नीचे जाके मैं चार वहाँ पे धो दी कैसा बने ठंडा हो गया मौसम हर बर्तन देखो अभी धोलिए तो बहुत सहूलत है पूरे बर्तन यही धो लेके जाती
सब मसाले डाल दिए, खाली वही मसाला नहीं डाली है। यहाँ पे खोरमा बन गया, देखो मैं दम पे रखी इसको, तीरा आता बोल के अंगार भुजा दी, लकड़ियाँ भुजा दी, अंगार पे रखी मैं, देखो पूरा हो गया काम। और यहाँ पे मैं चूल्हा भी मतलब साफ़ कर दी, बर्तन पूरे धो दी मैं। और यहाँ पे कद्दू की खीर है, इसके अंदर बर्फ़ डाले लो ठंडे के वास्ते। और मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।